मुजफ्फरपुर मेयर इंजीनियर राकेश कुमार पिंटू, सहायक अभियंता उग्र मोहन प्रसाद और निगम जन्म मृत्यु शाखा के 3 स्टाफ समेत कई कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 3 कर्मचारियों के एक साथ कोरोना पॉजिटिव होने से जन्म मृत्यु शाखा में काम बंद हो गया है। सोमवार को बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन देने पहुंचे लोगों को लौटना पड़ा। शाखा में रोजाना 125 से 150 आवेदन आ रहे थे। मेयर ने 3-4 दिनों में अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है। उन्होंने रविवार को नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्र के साथ ग्रेटर मुजफ्फरपुर का जायजा लिया था। वह लगातार नगर निगम भी आते रहे हैं। हालांकि मेयर को थोड़ी खांसी के अलावा कोई तकलीफ नहीं है। मंगलवार को उन्हें RT-PCR जांच के लिए बुलाया गया है। फिर भी एहतियात संपर्क में आए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। नगर निगम के प्रधान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि आधा दर्जन लोग संक्रमित हुए हैं। पूरे परिसर को सैनिटाइज कर दिया गया है। लेकिन कोरोना का तीसरा लहर में काज 2-3 स्टाफ हमारे संक्रमित हो गए हैं और लोग भयावह स्थिति में है। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का सैनिटाइजर तो पूरा शहर में ही करवा रहे हैं, नगर निगम ही 2 टाइम करवा रहे हैं और लोग कर्मचारी भयभीत हैं। सब लोगों से हम अनुरोध किया है जो आप लोग एकदम दूरी बना के मास्क पहन के आइए और आम पब्लिक से भी अनुरोध है जो विशेष कार्य है तभी यहाँ आवे और दूरी बना करके और मास्क लगा के ही आवे, अन्यथा घर में ही रहें और ये अपनी जान की सुरक्षा की व्यवस्था करें। और नगर निगम द्वारा हम लोग पूरी व्यवस्था हर मोड़ पर करने के लिए तैयार हैं। आप जानकारी के अनुसार कितने कर्मी अभी तक जैसे कि जानकारी मिला है जो 3-4 कर्मी हमारे पॉजिटिव हो गए हैं, जिसको हम लोगों ने कहा जांच करा करके होम क्वारंटाइन में चले गए हैं। हाँ, ऐसा सूचना मिला है और हमारे एक जन मृत्यु शाखा के भी 2 कर्मचारी हो गए हैं तो जांच कराने के लिए भी गए हैं।